हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ तो बस अभी मैं आई हूँ बाहर तो आज मौसम ऐसा हो रहा ना कि थोड़ी देर के लिए धूप हो रही है और फिर अचानक से गायब हो जा रही है तो कुछ इस तरीके से आज का वेदर है और जब घर की घर पे थी ना तो वेदर इतना अच्छा लग रहा सुहावना सा और जब मैं बाहर आई ना तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत हवा चल रही थी तो मुझे तो ऐसे लगा था कहीं ये ही नहीं मेरे के मेरे ऊपर गिर जाए बहुत हवा थी और बहुत अच्छा लग रहा था और अब है अब तो क्या मतलब वेदर ऐसा हो गया ना इस्कोके साथ सा तो ये वाला वेदर ना बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ ऐसे इस्कोके साथ सा और थोड़ी कोजी कोजी सा वेदर हो जाता है ना बहुत अच्छा लगता है तो बस यहाँ मैं आई हूँ हैथविक का हेयर कट कराने के लिए तो बस यहाँ पे ये हेतविक बैठ गया और इतने आराम से बैठ के बाल कटवा रहा था ना तो मैंने कहा चलो ठीक है और पहले तो ये पहले बो... तो ये बहुत तंग करता था मतलब जैसे बस पता नहीं कैसे बच्चों को पता चल जाता है ना समथिंग इज़ रॉन्ग तो जब भी बाल कटाना होता था ना तो मैं इसे ले जाती थी ना तो इसे पहले से ही अंदाजा हो जाता था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है और बस इसका फिर वहीं से रोना स्टार्ट हो जाता था मतलब इसको ये था कि कोई भी मेरे हेयर्स को हेड को टच ना करे बिल्कुल भी तो इस तरीके से मतलब बहुत परेशान करता बट अभी तो बहुत सही है मतलब काफ़ी चीज़ों में इसके चेंजेस आए हैं तो खैर अब बहुत इजीली काम अपने बाल बाल हेयर कटिंग करा लेता है और अभी हो रहा है टाइम आई थिंक पौने छः से थोड़ा सा ज़्यादा या छः समथिंग बज रहा होगा एग्जैक्टली exactly, मैंने अभी नहीं देखा है और तो मैंने कॉफ़ी बना ली और मैं जा रही हूँ रूम में लेकर के कॉफी so, सुबह मैं कॉफ़ी बना के ले आई रूम में और बहुत ठंडक सी लग रही थी तो मैं रूम में आ गई मैंने सोचा आराम से रूम में बैठ करके कॉफ़ी पीऊँगी और बस अभी मैं दाल चढ़ा करके आई हूँ तो दाल तो मैंने दिन में ही भिंगो दी थी ना इस दाल को भिगोने में मतलब टाइम अच्छा खासा लगता है जितना ज़्यादा दाल को भिगो उतनी अच्छी बनती है तो बस दाल को मैंने रख चढ़ा दिया है कुकर में डाल करके वो बॉईल हो रही है और अभी बज रहा है सिक्स छः बज के हाँ छः बज के दस मिनट सुबह अभी मैं कॉफ़ी ले आई हूँ और कॉफ़ी को पीऊँगी और बच्चों ने बोला थोड़ी भूख सी लग रही है तो मैंने सोचा बैठे ने मैं खाना जल्दी से बना देती हूँ और बस फिर बच्चे सीधा खाना ही खा लेंगे और बाहर है ना ठंड के साथ साथ बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है बिल्कुल डार्क डार्क मौसम हो गया है और तो मैंने सोचा था कि मेरे माइंड में आ, आ रहा था आ ही रहा था कि मैं सॉक्स पहन लेती हूँ और घर में हीटर ऑन कर लेती हूँ बट ये जो फ्लैट के अंदर भी हीटिंग सिस्टम होता है ना तो वो भी स्टार्ट हो गया है तो मैंने कहा चलो ये तो और भी अच्छा हुआ क्योंकि एक बार ही हीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो रूम टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है आराम से हम होते होते ना मैंने चेक किया मैं विंडो के पास गई थी तो मुझे ऐसा कुछ फील हुआ ना कि कुछ हीट जैसा आ रहा है तो देखा तो मैंने हीटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया मैंने कहा चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ और बस अभी टेम्परेचर भी मे बी मंथ के इन में माइनस चला जाएगा तो अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडियाँ ग पड़ने वाली हैं और दिन होंगे छोटे छोटे और रातें होंगी बड़ी बड़ी लंबी लंबी so, बच्चा बच्चा पार्टी अभी खेल रही है और मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ ब्लैंकेट और ठंडियों में ना आप ब्लैंकेट के अंदर हो और कॉफी मिल जाए ना तो बात बन जाती है बहुत ही अच्छा लगता है सो hey so ये दाल बिल्कुल अच्छे से भींग चुकी है तो इसे उड़द दाल या फिर काली दाल बोलते हैं तो बस इस दाल को ना बहुत अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें ब्लैक ब्लैक बहुत ज़्यादा पानी निकल गंद डर्ट निकलता है तो बिल्कुल अच्छे से रगड़ के इसके साफ कर लेना है इसके बाद इसको करेंगे बॉयल तो बॉयल करने के लिए बस इसमें सिंपल सा मैंने हल्दी नमक डाल करके बस और पानी इसमें ऐड किया है तो आप सोच रहे होंगे गर्म पा ये पानी से और गर्म पानी ऐड किया है तो मेरे पास चैनिक में जो पानी बॉयल था ना इसी बॉयल्ड वाटर से ही मैं खाना बनाती तो बस यही मैंने पानी ऐड कर दिया तो बिल्कुल गर्म ही था बस पाँच मिनट पहले ही मैंने उसे गर्म किया था ना बॉईल किया था वाटर तो वही वाटर मैंने यूज़ किया है इस वजह से इसमें से ऐसी इतनी ज़्यादा स्टीम निकल रही है तो बस वो मैंने आ, कुकर में चढ़ा दी है दाल बॉयल होने के लिए और बस यहाँ पर मैं अब करूँगी दाल को फ्राई करने की तैयारी तो घी लिया है जीरा लिया है तेज पत्ता ऐड किया इसमें अदरक लहसन का कुटा हुआ मसाला ऐड कर दिया बस एक मिनट जितना भी न, एक मिनट जितना ही इसको भूनना है मतलब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जैसा होने लगे इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है और टमाटर ऐड कर देना है इसके बाद इसमें बेसिक से मसाले ऐड कर देंगे और हाँ इसमें हींग जरूर ऐड करिएगा बहुत अच्छी लगती है तो हींग ऐड करना है और बेसिक से मसाले जो हल्दी धनिया मिर्ची होती है ना ये और मैंने दाल में ऑलरेडी पहले से ही नमक ऐड किया तो यहाँ पर नमक का पोर्शन थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि ज़्यादा नहीं हो जाए तो बस ये सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से बिल्कुल पका लेना सॉफ्ट हो जाए इसके बाद बॉईल की हुई जो दाल है ना वो मिक्स कर देना है तो जो दाल है ना वो जब बॉईल करेगी तो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन uh, करने के लिए कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं तो बस ये सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी हैं अब इसमें ऐड करूँगी बॉयल की हुई दाल और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको एक बॉइल देंगे अच्छा सा इसके बाद है ना इसमें ढेर सारे धनिया के पत्ते डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी लगती है और ऊपर से और भी इसमें घी ऐड कर दीजिए बट मेरे पास धनिया के पत्ते हैं ही नहीं तो मैं इसको इसी तरीके से बना लूँगी और ये दाल इतनी बढ़िया लगती है आप चपाती से खाइए राइस से खाइए मेरे घर पे तो काफ़ी पसंद आती है सबको तो बस इस तरीके से दाल कभी ट्राई करिए बहुत टेस्टी लगती है तो बस मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और घी थोड़ा सा और ऐड किया है ऊपर से और इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे इसके बाद ये हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से तैयार और मैं ना चटनी बना रही हूँ टमाटर वाली तो ये टमाटर की चटनी बनाने के लिए ना मैंने चार से पांच टमाटर लिए हैं और ये चटनी बनाते टाइम है ना बिल्कुल टमाटर रेड होने चाहिए इससे चटनी का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है तो जब मैंने ये चटनी बना रही थी तो जब मैंने टमाटर कट किया ना तो मुझे खुद ही ऐसा हेलोवन वाला जो टाइम होता है ना ये आजकल वही टाइम चल रहा है तो ना ऐसे स्पूकी स्पूकी सा इसका मुझे लुक आ रहा था तो खैर मैंने टमाटर को कट कर लिया और तभी भी मैंने दो पीस करके रख दिए हैं और सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए इसके बाद इसके छिलके मैंने हटा दिए हैं फिर टमाटर है ना इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है इसके बाद मैंने ना चार से पाँच लहसन लिया है फ्राई कर लिया इसको और इसी लहसुन और इसके ऑयल को साथ में ही जो टमाटर की जो प्यूरी बनाई ना उसमें ऐड करेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद ऊपर से हरी मिर्च और ये प्याज मैंने ऐड करा है थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च पे हुई ऐड करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है ना आप इसे सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं पराठों के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही अम लगती है और इसी के साथ वीडियो का करते हुए इन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में